हाई गुड मॉर्निंग, आई हैव वोकन अप शावर्ड. एक्चुअली कल रात को मुझे इतना तेज बुखार था दैट आई डिड नॉट थिंक आई बी एबल टू लिव अप टू माई वर्क कमिटमेंट्स टुडे बिकॉज आई हैवंट हैड अ गुड नाइट स्लीप. लेकिन आई एम लिटिल मोर प्रेजेंटेबल, मतलब थोड़ा आज मेरे में एनर्जी है कि मैं इतना उठ भी पा रही हूँ. कल मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतनी वीकनेस थी मुझे. Yesterday I went to the gym. जब मुझे पता था कि I'm starting to feel a little low, that has actually caused my entire this health का spiral down. I do tratak every morning, like eye exercises to reduce the power and to strengthen the eyes. So I'll show you what like वो मैं कैसे करती हूँ. So I have these three candle stands and अभी तो decor के लिए use किया है, लेकिन they come in very handy for my eye exercise. I'm gonna take a little dish. Tratak के लिए ना अपने eye level पे होना चाहिए, तो मेरा eye level यहाँ आ रहा है and this is too low. तो ये नहीं, इट्स नॉट प्रेफर टू डू इट लाइक दैट. ये ट्राई करके देखते हैं. नाउ आई एम सिटिंग हियर, सो द फ्लेम का टिप शुड बी हियर एंड दैट विल कम. पूरी फ्लेम को नहीं, सिर्फ टिप को देखना होता है. सो यू हैव टू बी स्टिल और आंखों को ऐसे वाइड नहीं करना है या छोटा नहीं करना है, नॉर्मल रखना है एंड जस्ट कीप स्टेयरिंग फ्लेम के टिप पे. ना यू मे एक्सपीरियंस कि आंखों में से पानी आएगा या यू नो दे माइट स्टार्ट स्टिंगिंग या बर्निंग अ लिटिल बिट. तो जितना हो सके तब तक ये करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आफ्टर दिस जितने देर तक ये किया है ना, मे बी यू कैन सेट अ टाइमर, सपोज 2 मिनट्स 3 मिनट्स, तो उतने टाइम के लिए आपको शवासन में भी जाना है टू रिलैक्स योर आईज अगेन. दिस इज माय तरातक. ट्राई कि आप आपकी आंखों को ब्लिंक ना करें, दैट इज मोर इफेक्टिव. Eyes are already starting to water. पिछले एक साल में मेरा नंबर दो बार कम हुआ था 0.5 से. I have seen a visible difference ऐसे ही like with the number going down. So मेरे को तो बहुत फर्क पड़ा, इसलिए आई वुड रेकमेंड एवरीबडी टू डू दिस. सो यू आर गोना प्रेपिंग फॉर द इवेंट. द थीम गिवन वाज लाइट पिंक. लास्ट मिनट आल्सो गॉट अ जैकेट टू गो विद इट. आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट थॉट कि ले लेते हैं एंड थैंक गॉड बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी एयर कंडीशन्ड देयर एंड मी स्टिल जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम फीवर. इट्स गोइंग टू बी लाइक अ सेवियर फॉर मी. तो ओह लेट मी जस्ट चेंज राइट हियर. दिस इज द लुक. मुझे ना ड्रेस कोड में इसलिए इतना मजा क्यों आता पता है, बिकॉज इट फील्स लाइक अ चैलेंज, लाइक अ फन थिंग कि इट्स ओनली लाइट पिंक. तो आई हैव लाइक अ रिस्ट्रिक्टिव रूल बट आई गेट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ विद इन दैट कलर. तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे एंड आई डोंट थिंक एनीवन द आउटफिट विल बी रिपीटेड बिकॉज एवरीवन हैज सच डिफरेंट पर्सनैलिटीज. तो दिस इज माई लुक. I'm gonna try to do my entire face under 2 minutes and this is event where I'm gonna meet actual people, so it can't be bad or cakey. So let's see if I can do it. First up, lip serum. So my lips are prepped for the lipstick by the end. Next, I'm gonna go in with color correction. Yellow on the eyelids. ताकि eyeshadow एकदम दिख के आए. And red on the under eyes. बाकी डार्क सर्कल्स छुप जाए. आई एम डूइंग बोथ कलर करेक्शन एक साथ. ओके नेक्स्ट आई एम गोना गो स्ट्रेट इन आई शैडो. आई हैव दिस वेरी क्विक हैक. तो पहले तो न्यूड ताकि द पाउडर सेट्स करेक्टर सेट्स एंड आई एम गोना टेक ओनली वन कलर का आई शैडो और मैं क्रीज में डालूंगी. आई एम गोइंग फॉर लाइट पिंक बिकॉज दैट्स द थीम एंड बस उसका मैचिंग शिमर शैडो विथ फिंगर्स बिकॉज इट मेल्स द शिमर्स एंड वो बहुत अच्छा पे ऑफ देते हैं. फिर इट शोज अप वेरी नाइसली एंड दैट्स इट. इट लुक्स वेरी नाइस ऑल्सो. बस नाउ आई एम गोइंग इन विथ कंसीलर. जब भी मुझे जल्दी होती है ना तो आई यूज ब्रशेस. इट्स क्विकर एंड गिव्स अ नाइसर फिनिश. फाउंडेशन I will take foundation under my eyes also, ताकि फिर पूरा फेस even लगे. I don't find doing concealer later like the bestest practice, क्योंकि फिर उतना area अलग दिख के आता है. Blending is most important. You don't apply foundation, it's okay, but अगर हम लगा रहे हैं then it has to be well blended. कहीं से भी patch या harsh line नहीं होनी चाहिए. बस now that foundation is done, I'm going to set my entire face. फिर और कोई क्रीम प्रोडक्ट नहीं लगा रही.
क्रीम प्रोडक्ट्स रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ ब्लेंडिंग, तो जब भी रश रहती है आई यूज पाउडर ब्लश एंड हाइलाइटर एंड ऑल ऑफ दैट. टाइम फॉर ब्लश. थोड़ा सा नोज पे तो इज मैंडेटरी हाइलाइटर. एंड नाउ फॉर द फाइनल टू टचेस जो इस इनकम्प्लीट से दिखने वाली लुक को बहुत ड्रामेटिक बनाने वाले हैं. इट्स माई लिटरल फेवरेट मस्कारा राइट नाउ. इट्स द एयर वॉल्यूम मेगा मस्कारा एंड ए जस्ट लुक एट माई लैशेज राइट नाउ एंड नाउ यू सी हाउ इट्स गोना. दिस इज वन कोट. इट लिटरली लुक्स लाइक मैंने फॉल्स लैशेज पहने हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वार्म वाटर से ऐसे निकलता है कि आई डोंट एंड अप डैमेजिंग माई लैशेज विच इज़ वाई आई यूज इट सो मच बिकॉज ब्यूटी इज पेन से मैं डिसअग्री करती हूँ. ऐसा नहीं है. वी कैन फाइंड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर अस विच डज नॉट मेक इट अ पेन एंड दिस लिपस्टिक द शेड इज सो प्रिटी. इट्स कॉल्ड आई डिसाइड 128. बिकॉज मैंने आई शेडो सेटल रखा ना आई वॉन्टेड टू गो लिटिल बोल्ड विद द लिप. Definitely went a lot over 2 minutes, but considering that this entire look is seamless, well blended, we've taken like about 5 minutes, which is not bad at all. So next time, if somebody tells you ki ladkiya to 5 minute mein ready ho nahi sakti, ye video dikhana unko. Hai possible. And I hope you got some inspiration of if you are getting late, how you can get ready fast. This is the look. Where are my earrings? Let me show you the earrings. They're so pretty. This is the bag I'm carrying. Because light pink is the theme. I'm telling you, I love styling and dressing up. And I feel like I'll always be the most on-point person if it comes to like color codes. So this is the bag. So earrings were kept in this inside as like a pre-prep. And they are also pearls. They are massive pearls. So it's like a rule that I have made for myself. If I make them statement or bade earrings like this, I don't wear anything on the neck. I like to keep it empty. So this is my nails ka pitara. All my stick-ons I've kept here only, like categorized well. तो आज के लिए हम थिंकिंग कि ये पिंक ही करने चाहिए. बस अभी हेयर करना है एंड नेल्स करना है. हेयर भी मैं लास्ट मिनट के लिए रखती हूँ ताकि माय हेयर इज मेजॉरिटी ड्राई बिफोर आई अप्लाई हीट टू इट. एंड मैं ना बैग कैरी कर रही हूँ. आई विल पुट इट प्रॉपरली इन द डस्ट बैग एंड कार्डबोर्ड बॉक्स में लेके जाती हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज बाइंग इट द सेल्स एसोसिएट टोल्ड मी कि अगर ये किधर भी गिरी ये टूट जाएगी बिकॉज इट्स एसिडेट एंड ये टूटी ना मेरा दिल ही टूट जाएगा इसके साथ में. एंड ही इज ऑल्सो आई ऑलवेज कैरी बिकॉज आई लाइक टू बी कंफर्टेबल थ्रू आउट द जर्नी. तो मैं फ्लैट्स में ही निकलती हूँ एंड आई ऑलवेज कैरी माई हील्स विद मी. तो बस हेयर करके नेल्स करके निकलते हैं. सो आई एम अबाउट टू रीच इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स. आई एम 800 meters अवे एंड बाय नाउ अब मुझे रास्ते याद होने लग गए एरिया के. आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट एवरीबडी. आई रीच द लोकेशन एंड जस्ट हेडेड टू द बॉलरूम. सबसे पहले हुआ प्रेजेंटेशन. इन दिस उन्होंने डिटेल में हमें बताया द साइंस बिहाइंड हाउ दिस वॉज फॉर्मुलेटेड एंड क्रिएटेड. एंड देन दे रिवील्ड द फेस फॉर दिस रेंज विच इज अनुष्का शर्मा. फिर जो ग्रैंड लॉन्च हुआ है ऑफ द सीरम, द थिएट्रिक्स ऑफ इट ऑल वर माइंड ब्लोइंग. एंड देन वी हैड अ पैनल डिस्कशन जहां श्रीमय सारा एंड कोमल हैड टेस्टेड दिस प्रोडक्ट आउट फॉर अ मंथ एंड दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस. एंड देन विद अ बंच ऑफ अदर क्रिएटर्स वी वर एक्सपीरियंसिंग ऑल द ज़ोन्स. आई सॉ कुशा कपिला, नितबा कॉल, इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी कि इट वॉज अ लॉट ऑफ फन.
एंड हम सब साथ में गए फॉर रिफ्रेशमेंट्स एंड फूड. एंड दिस लेडी एट द ग्लो बार वॉज सच अ बॉस. It is such a privilege to know the entire backstory of how this was created. And this is what the spread looked like for the evening. मैंने थोड़े फ्रूट्स और क्रोस्टीनीज खाए. And our money ne bhar raha tha, isliye before leaving one last time I went back inside, put on the coveted L'Oreal Paris pink lab coat and just went for it. फिर सारा, हिमाद्री, आशीम, मृदुल, कोमल और मैं बैठे थे थोड़ा टाइम. ऐसे रैंडमली एक एक रुपया क्रेडिट हो रहा है, कौन दे रहा है? We just chatted for a bit, waited for the traffic to die down. Had a lot of yummy hot chocolate. Finally left from the event. Thank God, मैं कोट लेके गई थी. It did help me keep warm. Event was so good. There were 3 different booths which had different interactions. Plus everybody was in such a good mood today क्योंकि इतना रिलैक्स रखा गया था ना, that people had the time to like talk to each other and it wasn't like very structured. It was a lot of fun. The last goodie bag unbox करना बाकी है, 'cause I want to see it with you. Okay, first thing in the hamper was the entire glycolic diet range in this very cute pouch. It had the cleanser foam, the serum and the moisturizer. Then there was a plain white box which got me thinking, what could it be? And on unboxing, I found this flexible mirror. It lit up. And then I figured it was like a ring light that too with 3 different light settings in a mirror. I love the touchscreen effect on the mirror. Let me show you my little spot that I'm gonna test at. I've developed this area of dark spots which I am not sure how it happened. It's not healed also in a year and a half on its own. So I feel like this is going to be my at-home dermatologist solution for this. Testing the glycolic dry cleanser. The cleanser foam or its texture is very evident hai because it is very like moosey, foamy and it has structure. It's not runny. It's like face washes hota hai na. Definitely not like that. तो एक cleanser foam का formulation ऐसा है ना कि gently exfoliate करेगा लेकिन effectively करता है. Impurities and makeup तो it will remove, लेकिन dead skin cells को mainly remove करता है, due to which we get a very glowing skin. To be able to incorporate the right skincare for you, ingredient को
को समझना बहुत जरूरी है. जैसे कभी भी हेल्थ बेनिफिट के लिए हम कोई नया फूड आइटम स्टार्ट करते हैं खाना, when do we start that? When we understand उसके क्या benefits है, like booty helps and weight loss and stuff like that. So it's that basic to understand कि what ingredient does what for the skin. Feels so freaking clean. ऐसा लग रहा है अंदर से जा जाके it's like taken off gunk and like dead skin, because मेरा skin smooth feel हो रहा है. Normally नहीं होता, like I have a lot of like दाना दाना सा build up on my skin generally. So I'm gonna pat it dry and then try the rest of the products. So I've pat dried my face and it's completely clean right now. I'm going in with the glycolic bright serum, specially targeted. Okay, ये serum मेरा favorite है. So इसमें 1% glycolic acid है. And glycolic acid is basically an AHA, alpha hydroxy acid. And this is what helps reduce 5 years of dark spots and hyperpigmentation in about 2 weeks of usage. So जो binding element होता है ना of dead skin cells and dark spots अपने skin के साथ, ये उसको loosen up करके हटा देता है. And that's how we get a very even skin tone. Plus cell renewal को भी stimulate करता है. पहले इसे special dermatological peeling treatments में ही available होता था, but this serum is highly effective and yet gentle for daily use. सब स्किन टाइप्स के लिए suitable है and you can really flaunt your glowing skin on the go. Plus the fragrance of the serum, it's very fresh and just, it's very nice. Following up with the glycolic bright glowing day cream, now this has SPF 17, and that's good because aaj main bahar nahi ja rahi kahin pe and it's practically raining, the sun's not even out, but that doesn't mean we're gonna skip our SPF even if I'm at home. Iski packaging na badi cute hai with the duo tone finish and the reflective vibe. Ye day cream na dull looking skin ke liye best hai, plus it protects the skin from exposure to the harmful UV rays as well. It is so hydrating and gives such a bright and glowing skin. Iska texture ekdam thick aur rich hai, but it gets absorbed in seconds, doesn't feel heavy, practically non-sticky. The packaging though, it's damn cute because of the two-tone. It's like a glowing effect with the ombre and reflective packaging. Hi, good morning. I just finished my skincare and today is the day I'm uploading this video. Religiously, I've tested it out since I received it from the event day. And here is my result in about 2 weeks, about to hit the 2 week mark. My main area, which was right here, there definitely is a visible reduction in that. And it's always such a good time to get to try the products first hand. I enjoyed using this range so much that I definitely want to do a giveaway and share it with some of you so that you can also try it. All you have to do is comment down below what area would you like to try. In jaise mujhe kaise right cheek ke upar thode dark spots se, so where do you have any dark spots or any little area that you are going to be using this range on, and I will select 3 people and sending the glycolic bright serum out to you. So comment down below to participate. If you'd also like to try it, I will be linking everything in the description box down below. If you enjoyed watching this video, then do give it a thumbs up and subscribe to our channel for future videos. If you did not enjoy watching this video, bindaas give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye.